साथियों, विकसित भारत के लिए गांव की अर्थव्यवस्था का सशक्त होना बहुत जरूरी है। इसलिए बीते 10 वर्षों में हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि गांव में रहने वाले हर परिवार की परेशानियों को दूर करें, उन्हें आर्थिक संबल दें। पानी का महत्व क्या होता है ये विदर्भ से बेहतर भला कौन जान सकता है। पीने का पानी हो या फिर सिंचाई का पानी, 2014 से पहले देश के गांवों में हाहाकार था, लेकिन इंडी गठबंधन की सबकी सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं। आप जरा सोचिए, आजादी के बाद से लेकर 2014 तक देश के गांव में 100 में से लगभग 15 परिवार ही ऐसे थे जिनके घर पाइप से पानी आता था, 100 में से 15 घर, और इनमें से अधिकतर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी थे जिनको ये लाभ नहीं मिलता था। ये हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ा संकट था। इस स्थिति से माताओं बहनों को बाहर निकालने के लिए ही लाल किले से मोदी ने हर घर जल की गारंटी दी। 4-5 साल के भीतर ही आज हर 100 में से 75 ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में भी जहां 50 लाख से कम परिवारों के पास ही नल से जल था, आज लगभग 1.25 करोड़ नल कनेक्शन है। तभी देश कहता है मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मोदी ने एक और गारंटी देश के किसानों को दी थी। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों से देश की करीब 100 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को लटका कर रखा। इनमें से 60 से ज्यादा पूरी हो चुकी है और बाकी पर भी पूरी होने वाली है। लटकी हुई इन सिंचाई परियोजनाओं में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की 26 परियोजनाएं। महाराष्ट्र के इधर के हर किसान परिवार को ये जानने का हक है कि किसके पाप की सजा आपकी पीढ़ियों को भुगतनी पड़ी है। इन 26 लटकी हुई परियोजनाओं में से 12 पूरी हो चुकी है और बाकियों पर भी तेजी से काम चल रहा है। ये भाजपा की सरकार है जिसने भिलवांडे बांध परियोजना को 50 वर्ष बाद पूरा करके दिखाया। कृष्णा कोयना लिफ्ट सिंचाई परियोजना और तेजपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना भी दशकों बाद पूरी हुई है। कोसी खुर्द परियोजना का ज्यादातर काम भी हमारी सरकार ने ही पूरा किया। आज भी यहाँ विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए पीएम कृषि सिंचाई और बलिराजा संजीवनी योजना के तहत 51 प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इनसे 80,000 हेक्टेयर से ज्यादा
भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।